हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट जूलॉजी ऑनर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स और उसके ऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉपर नोट्स है और अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी से हैं और आपका सेशन 19-22 है तो आपके लिए ये गेस क्वेश्चन भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड क्लासीफाई इट अप टू ऑर्डर विथ एग्जाम्पल। यानी कि हमको यहाँ पे रेप्टाइल्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है और उसके ऑर्डर को क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स एंड शोज अ डाइवर्स बिटवीन ईच अदर्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब कि उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है और वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। जैसे कि स्नेक भी रेप्टाइल है, लिजार्ड भी रेप्टाइल है, तो ये सब एक दूसरे से बहुत डाइवर्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इट इंक्लूड स्पीशीज सच एज लिजार्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स ईटीसी। इसके अंदर लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं। बट सम स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द क्लास रेप्टाइल। कुछ स्पीशीज़ जो हैं रेप्टाइल्स क्लास के वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि विलुप्त हो चुके हैं, अब नहीं पाए जाते। दीज आर फर्स्ट वर्टिब्रेट दोज लिव इन वाटर एंड लैंड इंडिपेंडेंटली। और ये जो रेप्टाइल्स हैं ये पहले वर्टिब्रेट हैं जो कि लैंड पे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लगे। जैसे कि इसके पहले हमने एम्फीबिया के बारे में पढ़ा था, तो एम्फीबिया जो है उसको वाटर और लैंड दोनों चाहिए सर्वाइवल के लिए, लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो लैंड पे भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर गए थे, इसलिए फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो कि लैंड पे सर्वाइव किया था। दे डेवलप्ड इन द कार्बोनीफेरस पीरियड फ्रॉम एम्फीबियस स्टॉक एंड फ्लोरिस्ट इन मेसोजोइक एरा। ये पीरियड के नाम है जो टाइम है अर्थ के ऊपर जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम से, तो ये कार्बोनीफेरस पीरियड में जो है बहुत डेवलप किए और फाइनली मेसोजोइक एरा में इनका ये इनका जो है नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा जो है इनका डेवलपमेंट हुआ। दिस एरा इज़ नोन एज रेप्टाइलियन एरा। ये जो मेसोजोइक एरा है इसको रेप्टाइलियन एरा बोला जाता है और ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपका 15 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एरा को रेप्टाइलियन एरा बोला जाता है, तो मेसोजोइक एरा को। इट शोज़ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब हम कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है, स्पीशीज ऑफ दिस क्लास आर मोस्टली टेरिस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक इनहेबिटेंट ऑल्सो। ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो होते हैं वो टेरिस्ट्रियल होते हैं यानी कि लैंड पे रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में रहने वाले। जैसे कि क्रोकोडाइल है तो वो पानी में रहता है, बाकी जो स्नेक है, लिजार्ड, ये सारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। कुछ स्नेक भी होते हैं एक्वेटिक। नेक्स्ट, बॉडी इज़ वेल डेवलप्ड बिटवीन हेड, ट्रंक एंड टेल। रेप्टाइल्स की बॉडी के अंदर हेड, ट्रंक और टेल ये तीनों जो हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। देयर लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल्स। इनके लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं इसीलिए इनको पेंटाडेक्टाइल कहा जाता है। लिम्स हैविंग डिजिट्स एंडिंग विथ क्लॉज। बॉडी इज़ कवर्ड विथ ड्राई एपिडर्मल स्केल्स। जैसे कि स्नेक के ऊपर आप देखोगे, क्रोकोडाइल के ऊपर, तो स्केल्स प्रेजेंट होता है इनके बॉडी के ऊपर में। इन सम स्पीशीज़ कंटेन बोनी डर्मल प्लेट्स बीनीथ स्केल्स। और कुछ जो स्पीशीज इनके होते हैं उनमें बोनी डर्मल प्लेट्स, ये भी क्रोकोडाइल की आप बात कर सकते हैं, क्रोकोडाइल के ऊपर जो है बोनी डर्मल प्लेट्स प्रेजेंट रहता है। देयर स्कल बियर्स सिंगल कॉन्डाइल्स, टीथ आर सिंपल कॉनिकल एंड थेकोडोंट। इनका जो स्कल होता है उसमें एक कॉन्डाइल होता है, टीथ जो है वो सिंपल होता है, कॉनिकल होता है और थेकोडोंट होता है, मतलब कि जो इस तरीके से टीथ होता है उसको थेकोडोंट बोलते हैं। नेक्स्ट, हार्ट कंटेन साइनस वेनोसस, टू ऑरिकल एंड पार्शियली डेवलप्ड वेंट्रिकल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से इनका जो हर्ट है रेप्टाइल्स का, हमने एम्फीबिया में देखा था 3 चैम्बर था, यानी कि एम्फीबिया के अंदर ऑरिकल जो है वो फर्केटेड था लेकिन वेंट्रिकल एक था।
और रेपिटाइल्स के केस में क्या होता है कि इनका जो हर्ट है वो पार्शियली थ्री चैम्बर्ड, यानी कि वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है पर कम्प्लीटली डिवीजन नहीं होता है। तो ऑरिकल दोनों तो एकदम कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो ऊपर से डिफरेंशिएटेड रहता है, डिवाइडेड रहता है, लेकिन नीचे में ब्लड की मिक्सिंग होती है, इसलिए पार्शियली डिवाइडेड बोला जाता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल जो है वो रेपिटाइल है, लेकिन इसके अंदर फोर चेम्बर्ड हर्ट होता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्रोकोडाइल के अंदर कितना चेम्बर्ड हर्ट होता है, तो क्रोकोडाइल के अंदर फोर चेम्बर्ड होगा। हालांकि ये है रेपिटाइल, लेकिन एक्सेप्शन है, इसके अंदर फोर चेम्बर हर्ट होता है। अगर एक बार हम हर्ट के बारे में देखेंगे तो फिश का हर्ट जो है वो टू चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। उसके बाद एम्फीबिया का हर्ट अगर हम देखेंगे तो थ्री चेम्बर्ड होता है, जिसके अंदर ऑरिकल दो होगा लेकिन वेंट्रिकल एक होगा। उसके बाद रेपिटाइल्स के अंदर हम देखेंगे तो पार्शियली थ्री चेम्बर्ड होता है, मतलब कि ऑरिकल तो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं लेकिन वेंट्रिकल इस तरीके से रहता है। उसके बाद बर्ड्स की हम बात करेंगे तो बर्ड्स के अंदर फोर चेम्बर्ड होता है, इस तरीके से डिवाइडेड रहता है। और बर्ड्स प्लस मैमल, ह्यूमन के अंदर दोनों के अंदर फोर चेम्बर्ड होता है, और फिशेस के अंदर दो चेम्बर्ड, एम्फीबिया के अंदर थ्री चेम्बर्ड, रेपिटाइल्स के अंदर पार्शियली थ्री चेम्बर्ड, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर अंदर कंप्लीटली फोर चेम्बर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बोथ राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क आर प्रेजेंट, इनके हार्ट के अंदर राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्क प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय पल्मोनरी मेथड। इसके पहले हमने एम्फीबिया में देखा था रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू भी होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, बकल कैविटी के थ्रू भी होता है, लेकिन हम अगर रेपिटाइल की बात करेंगे तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लंग के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जिसको कि हम पल्मोनरी मेथड बोलते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, रेपिटाइल्स के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। किडनी मेटानेफ्रिक होती है और उसमें नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट नहीं रहता है। दे आर यूनिसेक्सुअल मेल्स पोजेस कॉप्यूलेटरी ऑर्गन एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये जो रेपिटाइल्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल्स के पास कॉप्यूलेटरी ऑर्गन होता है और इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल के बॉडी में होता है, यानी कि इंटरनल होता है। एग्स हैविंग अ एक्सेस अमाउंट ऑफ योक सो इट इज़ मेगा लेसिथल। इनके एग्स में योक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है एक वो मेगा लेसिथल कहलाता है। मोस्टली रेपिटाइल्स आर ओवीपेरस एक्सेप्ट सम स्नेक्स दैट इज वीवीपेरस। ज़्यादातर रेपिटाइल्स जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं। कुछ स्नेक को छोड़ के कुछ स्नेक जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं, यानी कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। डिफरेंट जूलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड रेपिटाइल्स इन डिफरेंट वेज, बट एक्चुअली द रेपिटाइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ टेम्पोरल वेक्यूटीज फोसा। अलग अलग जूलॉजिस्ट ने रेपिटाइल को डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीकों में क्लासिफाई किया था, लेकिन मेनली जो है रेपिटाइल वो टेम्पोरल वेक्यूटी यानी कि फोसा के बेसिस पे इसका जो है क्लासिफिकेशन होता है। द प्रेजेंट क्लासिफिकेशन इज क्लियरली क्लासिफाइड बाई पार्कर एंड हॉसवेल। अभी हम इसका स्टडी करते हैं रेपिटाइल का, वो पार्कर एंड हॉसवेल के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करते हैं। दैट रिकॉग्नाइजेज 6 सब क्लासेस एंड देयर ऑर्डर, बट ओनली 4 ऑफ दीज आर प्रेजेंट दीज डेज एंड रिमेनिंग 2 आर एक्सटिंक्ट एट दैट टाइम। यानी कि ये जो पार्कर और हॉसवेल ने क्लासिफाई किया था उन्हीं के क्लासिफिकेशन को अभी हम पढ़ते हैं। और उन्हें उन्होंने रेपिटाइल्स को 6 सब क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें से 4 जो है वो अभी प्रेजेंट है और 2 जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब नहीं पाया जाता। देखते हैं कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो पहला है एनेप्सिडा, दूसरा है साइनेप्टोसोरिया जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्थियोप्टेरिया ये भी एक्सटिंक्ट है, नेक्स्ट लेपिडोसोरिया, देन आर्कोसोरिया, देन साइनेप्सिडा। तो ये 6 हैं जिसमें से 2 एक्सटिंक्ट हैं और बाकी जो हैं प्रेजेंट है। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एनेप्सिडा
दीज सब क्लासेज इंक्लूड्स सम प्रिमिटिव फॉसिल्स एंड सम लिविंग रेपिटाइल्स सच एज टर्टल्स एंड टर्टवाइल। तो एनेप्सिडा के अंदर जो है टर्टल्स और टर्टवाइज आते हैं। द स्कल ऑफ दीज रेपिटाइल्स आर विदाउट फोसा। इनका जो स्कल है उसमें कोई फोसा प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज डिवाइडेड इंटू टू ऑर्डर कॉर्टिलोसोरिया क्लियोना। कॉर्टिलोसोरिया नावडेज दीज ऑर्डर्स बिकम एक्सटिंक्ट। दिस इंक्लूड ओल्डेस्ट रेपिटाइल्स। द पेल्विस इज लाइक टू फ्लैट टेंड प्लेट एग्जाम्पल डेक्टस सैमोरिया। इट बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम कार्बोनीफेरस टू ट्रायस पीरियड। अब केलोनिया के बारे में देखते हैं। तो केलोनिया जो है बॉडी इनक्लोज्ड बाय अ डॉर्सल कारापेस। हेड नेक टेल एंड लिम्स कैन बी रिट्रैक्टेड इनसाइड द बॉडी केस। जॉज आर विदाउट टीथ इन एक्वेटिक फॉर्म। लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू ईयर। नेजल पैसेज नेजल ओपनिंग इज सिंगल। क्लोएकल एपर्चर इज लॉन्गिट्यूडनल एग्जाम्पल केलोना एमिस ट्राइनिक्स टेस्टूडो। तो ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है साइनेप्टोसोरिया। ये जो है एक्सटिंक्ट है और इसके दो ऑर्डर हैं प्रोटोसोरिया। और प्रोटोसोरिया का एग्जाम्पल है एरियोस्केलिस और टेनिस्ट्रोफियस। और सोरियोप्टेगेरिया का के बारे में है कि दीज आर एक्सटिंक्ट एक्वेटिक फॉर्म फ्रॉम प्रीमियन टू ट्रेसिक एरा जिसका एग्जाम्पल है नोथोसोरस प्लायोसोरस। थर्ड जो है वो है इस थियोप्टेगेरिया। द एनिमल्स बिलोंग्स इन दिस क्लास नाउ बिकम एक्सटिंक्ट। इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट एक्वेटिक रेपिटाइल्स ऑफ कार्निवोरस नेचर। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू ऑर्डर मेजोसोरिया इस्थियोसोरिया। अब मेजोसोरिया को देखते हैं उसके बारे में। दिस इंक्लूड फ्रेश वाटर स्मॉल रेपिटाइल्स एग्जाम्पल मेजोसोरस। और इस्थियोसोरिया के बारे में है इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट मैराइन रेपिटाइल्स एग्जाम्पल इस्थियोसोरस। अब नेक्स्ट है लेपिडोसोरिया फोर्थ नंबर। इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड फॉसिल रेपिटाइल्स। हेयर स्कल कंटेन टू टेम्पोरल फोसा बट इन सम फोसा बिकम रिड्यूस्ड। इट इंक्लूड थ्री ऑर्डर्स यूशोचिया राइंकोसिफेलिया स्क्वेमेटा। तो यूशिया के बारे में देखते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट फॉर्म्स। दे लाइज फ्रॉम परमियन टू इकोसीन पीरियड एग्जाम्पल यंगिना प्रोलेसर्टा। अब राइनोसिफेलिया में है इट इंक्लूड्स ओनली फॉसिल फॉर्म्स एक्सेप्ट स्फेनोडॉन विच इज़ लिविंग। द बॉडी इज लिजार्ड लाइक लिम्स आर वीक एंड टेल्स इज लेटरली कंप्रेस्ड। वर्टिब्रेट्स आर एम्फियोसिलस एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट कॉपुलेटरी ऑर्गन आर एबसेंट एग्जाम्पल स्फेनोडॉन। स्क्वेमेटा इट इंक्लूड लिजार्ड्स एंड स्नेक्स। इन लिजार्ड स्कल बियर्स ओनली सुप्रा टेम्पोरल फोसा बट इट इज एबसेंट इन स्नेक्स। रिब्स आर सिंगल हेडेड। बॉडी इज कवर्ड बाई हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स बट इन सम प्लेट लाइक स्केल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे मैं नोट्स को आगे सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और मेनली ये सब एग्जाम्पल बेस्ड हैं और बेसिक जो है सिंपल लाइन यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर आपको कुछ समझना होगा तो आप कमेंट कर देंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके नया वीडियो बना दूँगी। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा नोट्स नहीं हो जाए इसलिए सिर्फ नोट्स जो है वो रीड कर रही हूँ। इट इंक्लूड टू सब ऑर्डर्स लेसर्टिलिया। इट इंक्लूड लिजार्ड्स स्कल बियर्स टू सुपरा टेम्पोरल फोसा। आईलिड्स आर मूवेबल एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एग्जाम्पल ड्रेको फेरेनस यूरोमस्ट।
यूरामेस्टीन। नेक्स्ट है ऑफिडिया, इट इंक्लूड ऑल स्नेक्स, बॉडी इज सिलेंड्रिकल, मच इलोंगेटेड एंड विदाउट लिम्स, आईलिड्स आर कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट स्केल्स, टिम्पैनम एंड टिम्पैनिक कैविटी आर एबसेंट। एग्जाम्पल इसका है नाजा, पाइथॉन, टाइफुल, टिफ्लोप्स, क्रोटलस ई टी सी। फिफ्थ है आर्कोसोरिया, हेयर पैलेटल टीथ आर एबसेंट, टीथ आर थेकोडोंट और एबसेंट, हैंडलिम्ब एंड पेल्विक गर्डल आर प्रेजेंट फॉर बाई पेडल लोकोमोशन। इट इंक्लूड फाइव सब ऑर्डर्स, फर्स्ट है क्रोकोडेलिया। इट शोज फॉलोइंग कैरेक्टर्स, इट इंक्लूड्स कार्निवोरस एनिमल्स एंड दे आर कम्प्लीटली एक्वेटिक लाइक क्रोकोडाइल एलिगेटर। बॉडी इज कवर्ड बाई बोनी प्लेट्स एंड एपिडर्मल स्केल्स, हेड लॉन्ग एंड नॉस्ट्रल प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्नॉट, लिम्ब स्मॉल वेब्ड, यानी कि जाल जैसा बना होता है ताकि ये पानी में इजली मूव कर सके। टीथ आर थेकोडोंट, स्टर्नम प्रेजेंट, रिब्स डबल हेडेड, वर्टिब्री आर आइदर एम्फ्यूसिलस और प्रोसिलस, यूरिनरी ब्लैडर इज एबसेंट, हर्ट इज फोर चैम्बर्ड। एग्जाम्पल क्रोकोडिलस, एलिगेटर। नेक्स्ट है टेरोसोरिया, इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेपिटाइल्स इन विच फोर लिम्स एंड मोडिफाइड, फोर लिम्स आर मोडिफाइड इन टू विंग्स, दे लाइज इन बिटवीन जुरैसिक टू क्रस्टेशियस पीरियड। एग्जाम्पल टेरोडेक्टाइलस, टेरेनोडॉन। नेक्स्ट है थेकोडोंशिया, इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट कार्निवोरस रेपिटाइल्स दैट फाउंड इन जुरैसिक पीरियड, इट्स हाइंड लिम्ब आर इलोंगेटेड एंड पेल्विक गर्डल मोडिफाइड। एग्जाम्पल फाइटोसोरिया, यू परकीरिया। नेक्स्ट सोरिशिया, इट इंक्लूड्स मैमोथ, एक्सटिंक्ट लिजार्ड सच एज डाइनासोरस, पेल्विक गर्डल इज ट्राई रेडिएट, दे फाउंड फ्रॉम ट्रायस टू क्रस्टेशियस पीरियड। एग्जाम्पल टायरेनोसोरस, ब्रोटेनोसोरस, डिप्लोडोकस। नेक्स्ट है ऑर्निथिशिया, यह फ्रॉम ट्रायस टू क्रस्टेशियस पीरियड, इट इंक्लूड बर्ड्स लाइक डायनासोरस, दे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट, द पेल्विक गर्डल इज टेट्रा रेडिएट। एग्जाम्पल नोडोसोरस, इगियोनोडोन, स्टेगोसोरस। सिक्स्थ है साइनेप्सिडा, इट इंक्लूड फॉसिल फॉर्म, सम ऑफ द स्पीशीज अलाइक टू द मैमल्स, दे फाउंड फ्रॉम कार्बोनिफेरस टू परमियन पीरियड, देयर स्कल इज विथ सिंगल टेम्पोरल स्कल फोसी, इट इंक्लूड थ्री ऑर्डर। पेलिकोसोरिया, एग्जाम्पल डाइमेट्रोडॉन, वेरेनोसोरस। थेरापसिडा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा साइनोगनेथस। नेक्स्ट इक्टिरोसोरिया, एग्जाम्पल ट्राइटिलोडॉन। तो ये जो है ये आपका रेपिटाइल का कैरेक्टर और उसका जो है क्लासिफिकेशन उसके बारे में है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक को हम कवर करेंगे।